नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डियाज पेट फैमिली में स्वागत है। आप सभी को नए वर्ष 2020 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्दियों में अपने बर्ड्स को ठंडी हवाओं से कैसे बचाएं, ताकि उन्हें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। इसको पूरा देखें, ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठंड में सबसे ज़्यादा जो बर्ड्स को प्रॉब्लम रहती है वो होती है डायरेक्ट हवा लगने से। जो ठंडी हवाएं इस टाइम चल रही हैं उसमें आपका बर्ड बीमार हो सकता है। कि तो पहला काम ये कीजिए कि अपने बर्ड के केज को ऐसी जगह रखें जहाँ डायरेक्ट हवा ना आती हो, क्योंकि डायरेक्ट हवा लगने से उनको ज़ुकाम हो सकता है और बर्ड मर भी सकता है। इस चीज़ से अपने बर्ड को बचाइए। दूसरा, अपने बर्ड को सुबह के टाइम पर हल्का गुनगुना पानी दीजिए, ज़्यादा गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो, वो पानी दीजिए। रात में उस पानी को पहले निकाल लीजिए ताकि बर्ड सुबह जब पानी पिए तो उसको अच्छा पानी मिले, साफ। तीसरी बात यह है, अपने बर्ड के केज को प्रॉपरली कवर कीजिए किसी भी कपड़े से या फिर किसी भी प्लास्टिक बैग से, जो कि और उसको इस तरीके से कवर कीजिए ताकि हल्का वेंटिलेशन उसमें बना रहे, हवा क्रॉस होती रहे हल्की। और फोर्थ रहेगा कि हम अपने बर्ड के केज में, अगर वो बड़ा केज है तो उसके हिसाब से, या छोटा केज है तो उसके हिसाब से, उसके अंदर एक पुराना जो बल्ब आता था वैसा बल्ब एक उसमें लगाएं जिससे कि हीट बने, और रात में उस बल्ब को चालू करें। इससे बर्ड के केज का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और उन्हें ठंड भी नहीं लगेगी। साथ ही साथ हम बर्ड्स को सर्दियों में सुबह के टाइम दलिया बनाकर भी खिला सकते हैं, जिससे उनके शरीर में गर्मी रहती है और ठंड भी नहीं लगती। इसी तरह बर्ड्स का पूरा अगर हम ख्याल रखेंगे तो बर्ड्स को ठंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर आपको मेरा YouTube चैनल अच्छा लगे, अगर आपको मेरे चैनल से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।